गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर 10th क्लास केमिस्ट्री एंड वी वर डूइंग लेसन नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमने क्या किया था, मेटल्स की प्रॉपर्टी की थी. मेटल की प्रॉपर्टी क्या क्या थी कि वो क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, सोनरस है, म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, गुड मेटल्स क्या होती हैं, गुड कंडक्टर्स होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की. ठीक है, गुड कंडक्टर होती है हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी. ठीक है, और हार्ड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं मोस्टली मेटल एक्सेप्ट मर्करी, और आपके लस्ट्रस होते हैं, शाइन होती है इनमें, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होता है. ठीक है, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं. ये सब क्या हमने डिस्कस किए हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं. आज हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल की प्रॉपर्टी की, नॉन मेटल क्या होता है. नॉन मेटल में सारी इससे ऑपोजिट होती है, जो इसकी प्रॉपर्टी है मेटल्स की, नॉन मेटल की सारी ऑपोजिट प्रॉपर्टी हैं. सबसे पहला मेटल की क्या प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाना. नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल्स में क्या होता है, देखिए जरा. नॉन मेटल्स में सबसे पहले आपका नॉन मेटल, जैसे क्लोरीन ले लिया आपने, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, Cl नेगेटिव प्लस. ठीक है, Cl नेगेटिव बना लेगा. मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके, विच गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन, विच गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयन बनाते हैं, तो ये क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बनाया, नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रोनेगेटिव. क्या है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिव. कौन, नॉन मेटल्स. मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव. ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं. उसके बाद एक एक प्रॉपर्टी होगी कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं ये. ठीक है, सेकंड मेटल की क्या प्रॉपर्टी थी कि वो क्या होते हैं, हमेशा मोस्टली मेटल सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, ये थी ना. और सिर्फ मरकरी को छोड़ के, मरकरी लिक्विड होता है. लेकिन जो आपके नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड भी, सॉलिड भी और गैस भी. गैशियस नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल, और आपके क्या है, सॉलिड नॉन मेटल. तो नॉन मेटल आपका तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो सॉलिड्स हैं सॉलिड नॉन मेटल, लिक्विड हैं लिक्विड नॉन मेटल, गैशियस हैं गैशियस नॉन मेटल. लिक्विड नॉन मेटल का एक ही एग्जांपल है ब्रोमीन. ये एक नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है, लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन. एक ही एग्जांपल है इसका. लिक्विड नॉन मेटल क्या है आपका, ब्रोमीन. सॉलिड नॉन मेटल क्या है आपका, कार्बन फॉस्फोरस सल्फर आयोडीन. कार्बन सी फॉस्फोरस P4 सल्फर
S8 आयोडीन I2, ठीक है, आयोडीन, ठीक है। उसके बाद आयोडीन ये एलिमेंटल फॉर्म नहीं, एक सिंगल भी एग्जिस्ट करता है। आयोडीन हो गया, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, ये सॉलिड नॉन मेटल। गैसियस फॉर्म में जो आपके आसपास सारी गैसेज हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपका आर्गन है, फ्लोरीन है, हीलियम है, ठीक है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, N2, क्लोरीन, Cl2, आर्गन, Ar, नियॉन, Ne, ये सारी मोस्टली क्या हैं आपकी गैसेज हैं, ये क्या हैं सारी आपकी गैसेज हैं, और ये क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन हो गया, ये सारी क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल्स तो हमेशा तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मेटल कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपका, तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैसियस भी, लिक्विड भी और सॉलिड भी। गैसियस के एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, नियॉन, ऑक्सीजन। लिक्विड का एक ही एग्जाम्पल है ब्रोमीन, लिक्विड नॉन मेटल एक ही है। और सॉलिड के कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन, ठीक है, इस तरह के सॉलिड नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी, थर्ड जो प्रॉपर्टी थी किसकी, मेटल्स की, मेटल्स की क्या थी, लस्ट्रस, कि उनमें शाइन होती है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं उसके ऑपोजिट होती है, बिल्कुल। नॉन मेटल्स क्या होती हैं, ऑपोजिट, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस, इनमें कोई भी शाइन नहीं होती और इनको हम पॉलिश नहीं कर सकते, ठीक है। आप आर्गन को, नाइट्रोजन को पॉलिश कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप कार्बन को पॉलिश कर सकते हो, आयोडीन को पॉलिश कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऑर्नामेंट कोई चीज़ बनती ही नहीं जिसको हम पॉलिश करेंगे, ठीक है। जो आपका वुड है, वुड, उसके ऊपर हम पेंट कर सकते हैं, पॉलिश नहीं कर सकते, ठीक है। वो पेंट अप्लाई किया जाता है, फिर पेंट के ऊपर पॉलिशिंग की जाती है। जो आपका नॉन मेटल्स हैं वो क्या होता है, नॉन लस्टर्स होते हैं, यानी कि विदाउट शाइन होते हैं, और उनके अंदर कुछ मतलब कैन नॉट बी, दे कैन नॉट बी पॉलिश्ड, उनको हम पॉलिश नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो मेटल की क्या थी, वो क्या होते हैं, मोस्टली हार्ड थे आपके मेटल्स, क्या थे, हार्ड थे। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट। उसमें सिर्फ मेटल्स में सिर्फ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट मेटल थे। नॉन मेटल सारे ही सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड क्या है, डायमंड नॉन मेटल है, कार्बन का बना होता है ये, इसीलिए नॉन मेटल है। कार्बन की क्या एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एलोट्रॉपिक हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो डायमंड कार्बन का जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो है डायमंड, ठीक है। तो नॉन मेटल्स बेसिकली सॉफ्ट होते हैं, बस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, वो होते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म। कार्बन की जो स्ट्रक्चर है वो अलग तरह से अरेंज होता है डायमंड में, ठीक है। और उसके बाद ग्रेफाइट है, फुलरीन्स है, उनमें कार्बन के अलग अलग अरेंजमेंट होती है। तो नॉन मेटल्स आर मोस्टली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, एक्सेप्ट डायमंड। मोस्टली क्वेश्चन जो आपके एक्सेप्शंस में से ही आते हैं, एक्सेप्शंस में से ही पूछे जाते हैं, एक नंबर का पूछ लिया, दो नंबर प्रॉपर्टीज में से मोस्टली आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि आपने देखा था कि जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल और मेलिएबल होते हैं, उनको हम जितना मर्जी पीट लें, जितनी मर्जी लंबी वायर्स में कन्वर्ट कर दें, जितनी मर्जी लंबी शीट्स में कन्वर्ट कर दें, लेकिन नॉन मेटल्स तो ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, क्या होते हैं नॉन मेटल्स, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब वो बहुत जल्दी टूट जाता है, उन्हें खींचने की कोशिश करेंगे और टूट जाएंगे,
ठीक है। लेकिन मेटल्स ऐसे नहीं होते, मेटल्स को हम थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब जो ब्रेकेबल, जल्दी टूट जाते हैं। तो यहाँ तक नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी आपकी? नॉन लस्ट्रस, सॉफ्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ब्रिटल इन नेचर। ये ऑल आर दीज प्रॉपर्टीज़ आर ऑपोजिट टू मेटल्स। तो इस तरह से आपको रिवाइज़ करना है इसको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।